हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखे तो पता चल ही गया होगा कि जो आज की हमारी ये वाली वीडियो है ये फोर फिंगर कंट्रोल के ऊपर होने वाली है। ठीक है, फोर फिंगर सेटिंग के ऊपर होने वाली है कि आपको मैं एक ऐसी इजी सेटिंग बताऊँ कि मैं किस सेटिंग में खेलता हूँ फोर फिंगर कंट्रोल्स मेरे कैसे हैं, सबको जाकर इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा। और आप लोगों ने थंबनेल में देखा ना कि मोटरले कंट्रोल गलत और मेरे सही, तो भाई कैसे, तो हर वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, फिर बाद में कमेंट करके बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला, मोटरले कंट्रोल को मैंने गलत क्यों बोला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा अपने कंट्रोल्स के बारे में कि आप भी अगर 2 या 3 या 4 5 6 7 8 जितने भी फिंगर खेलते हो तो आप भी अगर शिफ्ट हो जाते हो फोर फिंगर, ठीक है, तो आप इजी फोर फिंगर जो है कैसे खेल सकते हो। ठीक है, उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आप फोर फिंगर बिल्कुल ईजी कैसे सेट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने सेट किए हैं। ठीक है, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे जब फोर फिंगर खेलने में, क्योंकि मैंने सेट किया है तो फोर फिंगर में आपको मैं अपने कंट्रोल बताने वाला हूँ। तो सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, अपने चलते हैं सेटिंग में और जो है कंट्रोल्स में, कस्टमाइज में। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो आप लोग हमारा सेटअप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे बिगाड़ते हैं, उसके बाद आपको इससे हम बना के दिखाएंगे कि मैंने किस तरीके से फोर फिंगर सेटअप जो है बनाया है। फिर आपको वीडियो को छोड़ के मत जाना ना, वीडियो को स्किप करना। ठीक है, लास्ट का पार्ट जरूर देखना इस वीडियो का। तो चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहले होता है ना, तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी यार बैकग्राउंड नॉइस आती है तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, कि आप सभी लोगों को पता मैं इस टाइम थोड़ा बाहर हूँ, तो यार उसको इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइस को। और वैसे भी मैं ऊपर छत पर बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है, तो यार करना, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए फोर फिंगर सेटअप में, जो अगर आप थंब पे पहले खेलते हो ना, अगर आपके ये जो जंप और प्राउन और क्राउच वगैरह नया पर है ना, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, अगर इसको छेड़ना है तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साइज़ आपको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना है इन सभी चीज़ों का। और आपका जो रिलोडिंग बटन होता है ना, इसका तो साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेना है, और इसको आप ग्रेनेड के बराबर में लगा देना है। ठीक है, और बाकी सबको आपको ऐसे रहने देना, किसी को भी बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैप अपना हटाना है, मैप का साइज कुछ 85 तक या 85 या 92 ऐसे कुछ कर लेना है। मैंने 80 कर लिया, अभी थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, 90 रखता हूँ। ठीक है, और ये जो है इसका भी कम कर देता हूँ साइज। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना भी आ रहा है, तो फिलहाल अभी तो ऊपर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और यहाँ पर देखो यार, आपको मैप जो लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, जो आपका ये फिंगर होता है ना लेफ्ट हाथ का, तो उससे आप जो मैप को ओपन भी कर सकते हो और यहाँ से इसी को बंद कर सकते हो, सब कुछ इधर से आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फोर फिंगर मतलब अब आपको स्कोप का अपना सीधा इसको बड़ा कर लेना है, 250 तक कर लेना है, और यहाँ पर आपको रख देना है जो आपके ये जो चैटिंग वाली होती है ना, इसको आपको यहाँ पर ला कर रख लेना है। और ड्राइविंग थोड़ा सा हमें साइड में करना है, और यहाँ पर पिन स्किप। ठीक है, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको एग्जिट के बटन को थोड़ा सा नीचा कर लेना, और लूट वाले को क्रिएटरिस्ट को इसको भी थोड़ा नीचे कर लेना, और जो हमारे ये मैसेज का बटन और एस्ट्रो का बटन को हल्के से बड़ा कर लेना है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने के लिए आप मैसेज के बराबर में ये बटन दोनों रख सकते हो आप, ये जो यूनिवर्सल मार्क का बटन आया ना, ये मैसेज के बराबर में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा आ जाता है ना मैसेज के लिए पहले से ही, तो ये हमारी मसल मेमोरी में है। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों पे मैसेज कर सकते हो, किसी से भी मैसेज लगा सकते हो, ये हमारी पहले से मसल में हो रही है कि मैसेज का बटन यहाँ पर आपको रख लेना है। और IPPVP का बटन तो आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, अभी मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम इसको छोटा करते हैं। पिक के बटन आपको, पिक के बटन सबसे ज़्यादा आप कुछ लोग यहाँ पर उठा कर रखते हैं, तो भाई वहाँ पर नहीं रखना है उसका, मैं आपको बताऊँगा मोटर कंट्रोल में क्योंकि वहाँ पर क्यों नहीं रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये तू कहाँ आ रहा है भाई, क्या ही हो रहा है यार, ये खुद पर खुद बढ़ रहा है भाई। तो सबसे पहले हमारा पिक का बटन, हमारा भाई फ़ोन पूरा ख़राब हो जो है, टच भी काम नहीं कर रही है। देखो पिक पे मार रहा हूँ तो पिक का बटन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पिक के बटन को हमें साइज़ बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। अभी मैंने 195 रखा है, तो भैया आप खेलते रहोगे तो आपको थोड़ी सी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना भी, तो मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जिट का बटन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा यहाँ पर रखा, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे होंगे तो ड्राइव करते होंगे, तो हमें एग्जिट से जो थोड़ी ना पिक करना होगा। और आपको ये बटन यहाँ पर ला कर रख देना है, और इसको तो हमें कोई काम ही नहीं, कहीं बार लेते हैं। सबसे पहले हम ये बटन अपने ऊपर रख लेते हैं, फायर बटन जो सबसे मेन चीज़ भाई, फायर बटन को आपको सेट करके रख लेना है।
तो कुछ साइज हम देख लो आप लोग साइज, तो अपने हिसाब से सब लोग रख ही सकते हो साइज। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर रखेंगे और इसको रख देते हैं नीचे, ठीक है। तो अभी हमारा जो इस तरीके से हो गया ऊपर, और पिक के बटन हमें जो है यहाँ पर रखना है। पिक के बटन को आपको ध्यान से रखना है कि आपको वो थंब से जो है ज़्यादा रिफ्लेक्स आप कर सको, आपका रिफ्लेक्स जो है पिक पे फास्ट हो सके, थंब पे रखना है आपको ये बटन शुरुआत में। तो हमारा यहाँ पर प्रॉन का बटन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो हमारा कुछ हद तक जो है सब कुछ ठीक हो चुका है, और ये आपको बढ़ा लेना है और इसको आपको हमें इधर साइड में रख लेना है, ठीक है। तो अब हमारा ये पूरा फोर फिंगर कंट्रोल अभी सेट नहीं हुआ है, तो हम तो इसको तो भूल ही गए। तो इसका साइज हमें थोड़ा सा हल्का सा जॉयस्टिक का साइज थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेना है 140। तो पीछे जो कुत्ते भाग रहे हैं इसको इग्नोर करना आप लोग, ठीक है। प्रायर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा, जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको एडिटिंग करके एक कम वॉइस सुनाई दे। तो ये आपका फोर फिंगर कंट्रोल बन चुका है, बिल्कुल सेटअप बहुत ही सही कंट्रोल है ये मेरे हिसाब से, तो जो मैं यूज़ करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप इसी बटन से आप सबसे पहले हम आपको ट्रेनिंग रूम में चल के दिखा देंगे इस सेटअप के बारे में, ठीक है। तो गाइस हम ट्रेनिंग रूम ओपन करते हैं। सो गाइस हम ट्रेनिंग रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं, इससे पहले हम यहाँ से एक बैकपैक ले लेंगे। तो अगर आपको सेंसिटिविटी के बारे में वीडियो चाहिए ना तो बताना यार, और पता है डिवाइस के हिसाब से जो ये साइज होते हैं ना इसके, ये सब डिवाइस के हिसाब से रखे जाते हैं साइज। अगर आपको डिवाइस इस पर भी एक वीडियो चाहिए ना तो बताना नीचे कमेंट में कि आपको, हाँ भाई डिवाइस के हिसाब से किस डिवाइस में कैसा कंट्रोल का साइज़ रखना चाहिए, ये जो साइज हमारे शॉप का ये सब साइज होगा ना ये किस हिसाब से हमें रखना चाहिए। तो यहाँ से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, आपको जो है अभी मैं करके दिखा रहा हूँ इसी तरीके से। तो देखो फिलहाल हमारे कुछ हद तक अभी काफ़ी अच्छे जो है कंट्रोल फोर फिंगर सेट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो फोर फिंगर हमारा जिस तरीके से, और आप भी फोर फिंगर का यूज़ कर सकते हो इजी, ठीक है। और बाकी अगर आपको थोड़ा लगे ना, अगर मार्क लगाते हैं तो यहाँ से हम मार्क अपने इधर से ही लगा सकते हैं, और इसका भी मार्क हम इधर से ही लगा सकते हैं। और ये मैप की जो सबसे अच्छी खास बात है, ये देखो आप यहीं से ओपन कर सकते हो, और यहीं से आप इसको बंद भी कर सकते हो मैप को, ठीक है। और बाकी जो है हमारा यहाँ पर देखो तो कितना अच्छा हमारा यहाँ पर जो है कंट्रोल काम कर रहा है। तो सो गाइस अब हम अपने मिनटों में पहुँचेंगे, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप लोग कि भाई मोटर कंट्रोल आपको क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मोटर कंट्रोल कि हम मोटर कंट्रोल क्यों हमारे लिए ख़राब है, ठीक है। कि मोटर एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो हमारे लिए उससे कंट्रोल क्यों ख़राब है। सबसे पहले हम मोटर कंट्रोल आपको दिखा देते हैं किस तरीके के उनके कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल्स में चले जाएँ कस्टोमाइज में, और यहाँ पर हम आइकन लेआउट टू सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने सेव करके रखे हैं मोटर सर्विस का कंट्रोल। तो आप ये हमारे लिए किस क्यों ख़राब है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये हमारे लिए क्यों ख़राब है। तो जब हम नए प्लेयर होते हैं ना, जैसे कि हम टू फिंगर या थ्री फिंगर खेलते हैं, तो हमारे ये जो जंप और प्रॉन ये क्राउच होते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ पर नीचे होते हैं थंब पे। अगर आप एकदम एडवांस जाके पहुँच जाओगे ना एकदम एडवांस, तो अभी मेरे से भी ये नहीं ये खेला जा रहा, ठीक है। तो मोटल एक बहुत अच्छा प्लेयर है जी की उनकी जो है मसल मेमोरी में सब कुछ ये सेव है कि यहाँ पर किस तरीके से कैसे रखना चाहिए कि इस चीज़ को, तो उनके सब मसल मेमोरी में सेव है। अगर आप एकदम न्यू प्लेयर हो, ठीक है, और आप टू फिंगर खेलते हो या थ्री फिंगर, आपका ये थंब पे सेट है ना, तो आप एकदम डायरेक्टली इसको ऊपर रखते हो, तो भाई ये कंट्रोल आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपके मसल मेमोरी में इस समय आपका थंब पहुँचेगा बेर बेर। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा थंब ऊपर की ओर पहुँच जा रहा है, तो यार देखो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि और ये डिवाइस के हिसाब से भी होता है, ठीक है। अगर आप लो डिवाइस में इस तरीके से कंट्रोल रख लोगे सब मिला के, तो भाई कुछ भी नहीं चलने वाला है। इसीलिए अगर आप एक न्यू हो तो ये कंट्रोल आपके लिए बेकार है। अगर आपको फिर भी इससे शिफ्ट होना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी इन कंट्रोल्स के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल्स आपको जो है कुछ फ़ोन पकड़ने के ऊपर भी होता है कि कौन बंदा किस तरीके से फ़ोन पकड़ता है, ठीक है, कौन बंदा किस तरीके से फ़ोन पकड़ता है। पर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से जो है हम पिक भी अच्छी नहीं कर पाते हैं यहाँ इस वाली ऊपर जो राइट साइड वाली हमारी उंगली होती है ना, उससे पिक भी हम अच्छी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम थंब पे पहले थे। तो हम अगर एकदम ऊपर पहुँच जाएंगे ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम अगर एकदम पहुँच जाएंगे। कुछ बंदे क्या करते हैं कि मोटर कंट्रोल या किसी भी ऐसे पहले कंट्रोल कॉपी कर लिए कि भाई जो एडवांस खेलता है कि हाँ वो बहुत अच्छा खेलता है, मैंने कंट्रोल उसके कॉपी कर लिए हैं तो मैं भी एक अच्छा प्लेयर बन जाऊँगा।
तो भाई ऐसा नहीं होता कि आप भी एक अच्छे बिल्डर बन जाओगे कंट्रोल उसके लेके, पर आपको अपने ही कंट्रोल ढूंढना पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपने कंट्रोल ढूंढना पड़ेंगे जब आप अच्छे प्लेयर बनोगे, अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, ठीक है, कि एडवांस आपको खेलना है क्योंकि, तो आप ऐसा करते हो, ये कंट्रोल मैं आपको बिगाड़ के दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। अगर आपको फिर भी एडवांस खेलना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको सबसे पहले छोटा मैंने बताया लेफ्ट साइड, अभी आप बीच में मैप इसी तरीके से रख सकते हो। बाकी स्कोप को आपको ऐसे रखना है, कुछ दिन आपको इस पर ट्राई करना है, पिक के बटन हमारे यहाँ पर रख लेने हैं, ठीक है। और ये जंप का वहाँ रखना है, क्राउच या कोई भी एक बटन लगा ऊपर रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ इसी तरीके से ऐड करके रख लेना है। तो अब इससे क्या होगा, आपको एक एक बटन करके रखना होगा, तो आपके जो है मसल मेमोरी में इतना ज़्यादा बैठा हुआ नहीं है। तो देखो अब मैंने यहाँ से क्राउच किया, शूट किया, तो अगर आप एक एक बटन ऊपर बढ़ाते हो ना तो आपके ये मसल मेमोरी में बैठ जाएगा एडवांस, क्योंकि आप जो अगर एकदम तीनों बटन ऊपर रख लोगे तो भाई आप बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे, बिल्कुल ये जितना भी अच्छा आपका गेम प्लेयर होगा ना आप, तो बिल्कुल नूब प्लेयर बन जाओगे आप। तो इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में बोला कि मोडले कंट्रोल ख़राब है। हाँ, आपके लिए ख़राब है पर उनके लिए ख़राब नहीं है वो कंट्रोल, क्योंकि वो काफ़ी दिन से उस कंट्रोल का यूज कर रहे हैं और उनकी मसल मेमोरी में वो सारे सब कुछ सेव है, ठीक है, सब कुछ सेट है उनकी मसल मेमोरी में, सब कुछ सेव है कि वो किस तरीके से कहाँ से उनका उंगली जो है बहीम पर जाती है, पर हमारी उंगली थंब पर आती है, अगर हम थंब से सीधे जो है एडवांस में आते हैं। तो सो गाइस, मैं आशा करूँगा आपको ये वाली वीडियो समझ आई आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई हो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताना कि आप कितने फिंगर खेलते हो, आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।